पब्लिक सेक्टर पर आज का जो अटैक है दोस्तों, वो दरअसल भारत के दलितों, आदिवासियों, ओबीसी पर सबसे बड़ा अटैक है। उसमें पता चला कि 99.7% लोग सिर्फ अपर कास्ट के हैं, प्राइवेट सेक्टर में। आज का दौर पुष्यमित्र शुंग की वापसी का दौर है। अगर पुष्यमित्र शुंग की वापसी को आप नहीं रोकते तो यकीनन आपका वजूद खत्म हो जाएगा। हां, कि नागरिकता का प्रश्न जो आज छिड़ा हुआ है उसके बारे में उन्होंने क्या कहा था उस समय, बाबा साहब के बारे में और भी बहुत सारी भ्रांत धारणाएं अपने को कथित अंबेडकरवादी कहने वाले लोगों ने प्रचारित की और देश के बहुजन समाज को दिग्भ्रमित किया। हमारे देश में बाबा साहब का साहित्य लंबे समय तक लोगों से दूर रखा गया, केवल मराठी में शुरू के दौर में किताबें छपी, बुकलेट छपी, अंग्रेजी में छपी। लंबे समय तक बाबा साहब का साहित्य हिंदी क्षेत्र में नहीं आया। ये तो आप कहिए बहुत महान काम किया है हमारे बौद्ध साहब ने और तमाम लोगों ने, और बाद में भारत सरकार भी मजबूर होकर जब उनके वॉल्यूम्स लेकर आई, खासकर महाराष्ट्र सरकार ने इनिशिएटिव लिया और अब तो सब कुछ उपलब्ध है, बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, कुछ एक चीज़ें हिंदी में अभी नहीं आई हैं। तो हमारा ये कहना है कि उपलब्ध चीज़ें अब हैं लोगों के सामने। बाबा साहब ने अपने अनुसूचित जाति जो परिसंघ था उसकी तरफ से उन्होंने कांस्टिट्यूएंट असेंबली में एक लंबा दस्तावेज पेश किया था, कृपया उसको पढ़ने का प्रयास करें, उसको समझने का प्रयास करें। आज मूक नायक के 100 साल अगर आप मना रहे हैं तो ये जरूरी है कि हम केवल सेलिब्रेट ना करें, हम बल्कि अंगीकार करें, हम उनको स्वीकार करें एक एक बात को। और वो क्या कहा था बाबा साहब ने अपने उस बड़े दस्तावेज में, जो एक कमेटी ने उनको मुकर्रर किया था कि आप इसको पेश कीजिए कांस्टिट्यूएंट असेंबली में, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं बाबा साहब के सपनों का संविधान है, मैं नहीं मानता ये बाबा साहब के सपनों का संविधान है। बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, अनेक चीज़ें बाबा साहब को उसमें समाहित करनी पड़ी जो उनकी इच्छा के विरुद्ध थी, फिर भी हम बाबा साहब के संविधान के रूप में इसको जानते हैं और इसको आज डिफेंड करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो लोग इसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं वो मनु का संविधान लाना चाहते हैं। तो आज हम इसको इसीलिए संविधान अपना मानते हैं और सचमुच अपना संविधान है, लेकिन ये कोई कहता है अगर थ्योरिटिकली कि ये बाबा साहब के सपनों का संविधान है तो मैं कम से कम बाबा साहब की ओर से ये बात नहीं मानने को तैयार हूँ। बाबा साहब इससे बेहतर संविधान चाहते थे, ज्यादा डेमोक्रेटिक, ज्यादा इंक्लूसिव, और जिसका जिक्र मैं अब करने जा रहा हूं वो आप देखिए हिंदी में जो पढ़ते हैं लोग वॉल्यूम 2 में जो खंड 2 है वांग्मय का, उसमें वो है बकायदे राज्य और अल्पसंख्यक, ये जो एक जो पूरा चैप्टर है उसको कृपया पढ़ने का प्रयास कीजिए। अल्पसंख्यक का उनका मतलब केवल माइनॉरिटी कम्युनिटी जो आज है वो नहीं है, बाबा साहब ने जितने दलित आदिवासी और उत्पीड़ित समाज के लोग हैं उनको कहा कि इनको अल्पसंख्यक की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। उन्होंने दलित समाज के लिए कहा कि इनको माइनॉरिटी कम्युनिटी में जिनको आप आइडेंटिफाई किए हुए हैं उनसे भी ज़्यादा उत्पीड़ित हैं, अनटचेबिलिटी, अछूत, अस्पृश्यता का जो मामला है वो कहाँ किसी जगह है, पूरी दुनिया का उदाहरण देख लीजिए। और उसमें मैं यही कहकर अपनी बात खत्म करूंगा उस कॉन्टेक्स्ट में ताकि इस पर आप लोग विचार करें। और बाबा साहब ने उस बारे में जो बात कही राज्य और अल्पसंख्यक का मामला, उसमें उन्होंने जो कहा कि दो चुनौतियां हैं संविधान लिखने के लिए, पहली चुनौती है अल्पसंख्यकों की और दूसरी है देशी राज्यों की। देशी राज्यों को लेकर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मामला था वो चाहते थे कि उनको शामिल किया जाए, लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया। अंबेडकर साहब ने बाद में कहा और जो उनका शीर्षक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्ट का, वो कहा कि संयुक्त राज्य भारत का ये संविधान होगा, संयुक्त राज्य भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह, फेडरल स्ट्रक्चर की परिकल्पना बाबा साहब के दिमाग में थी। और जितनी मैगजीन्स में, खासकर बात की जो मैगजीन्स है मूक नायक के बाद की, उसमें उन्होंने कई बार इस पर एडिटोरियल लिखे हैं। उन्होंने कहा कि नागरिकता का प्रश्न जो आज छिड़ा हुआ है उसके बारे में उन्होंने क्या कहा था उस समय, उन्होंने कहा कि जो भारत में पैदा हुए हैं वे नागरिक हैं, दर्जा, जन्म, व्यक्ति, परिवार, धर्म, प्रथा, रीति रिवाज के कारण किसी को शामिल या वंचित नहीं किया जाएगा, नागरिकता की यह धारणा है।
दूसरी बात जो उन्होंने कही, और ये बात अनुच्छेद 2 अनुभाग 1 में आप देख लीजिए, पहले पैरे में ये दर्ज है। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो कही थी, और वो ये बताता है कि इंक्लूसिव इकोनॉमी को लेकर, इंक्लूसिव सोसाइटी को लेकर, इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर वो वैज्ञानिक समाजवादी थे। मैं वैज्ञानिक समाजवादी जब कह रहा हूँ तो बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवी समझेंगे कि मार्क्सवाद से जोड़ रहा हूँ। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जैसे मार्क्सवाद और अम्बेडकरवाद उलट हैं, माफ़ कीजिएगा, भारत के कॉन्टेक्स्ट में अम्बेडकरवाद, अम्बेडकर वैचारिकी जो है वो जेन्युइन मार्क्सिज्म या जेन्युइन एक तरह से समतावादी दृष्टिकोण है। मार्क्स के प्रति बाबा साहब की कहीं कोई आप नफरत नहीं पाएंगे, कहीं कोई आप उनके प्रति असम्मान नहीं पाएंगे। आज के कथित अम्बेडकरवादियों के दिमाग में हो सकता है, लेकिन अम्बेडकर के दिमाग में कभी नहीं था। अम्बेडकर ने मार्क्सिज्म को जितना बेहतर ढंग से पढ़ा था, समझा था, उतना उस समय के अनेक मार्क्सिस्ट तक नहीं समझे थे। और ये देखिए आप जो बात है, उन्होंने उद्योगों के बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा कि उद्योग राज्य के स्वामित्व में होना चाहिए, बड़े उद्योग, और जो बुनियादी उद्योग हैं उनके बारे में भी कहा कि वो राज्य के स्वामित्व में हो, और साथ साथ कॉरपोरेशन अगर बने, निगम बने, उसके अधीन भी होने चाहिए। ये बाबा साहब ने कहा था। कृषि के बारे में उनकी धारणा बिल्कुल साफ थी, लैंड रिफॉर्म्स के प्रति, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी, तमाम चीज़ों को लेकर बेहद क्लियर थे। और बार बार वो कहते थे कि कृषि जो है सामूहिक होनी चाहिए, कृषि के भी एक तरह से वो पब्लिक के हाथ में करने की बात करते थे, न कि छोटे छोटे जमींदारों के हाथ में हो। और इसके अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, बीमा राज्य के अधीन हो, बीमा, इंश्योरेंस। तो मेरा ये कहना है कि आज जो पब्लिक सेक्टर पर इतना बड़ा अटैक हो रहा है, क्यों हो रहा है, यही मेरी अंतिम बात है, मैं कंक्लूड करने जा रहा हूं। पब्लिक सेक्टर पर आज का जो अटैक है दोस्तों, वो दरअसल भारत के दलितों, आदिवासियों, ओबीसी पर सबसे बड़ा अटैक है। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, आज जहां भी आप शिक्षित दलित पाएंगे, शिक्षित आदिवासी पाएंगे, अच्छी नौकरी पेशा जिंदगी गुजारने वाले लोगों को पाएंगे, आप पाएंगे कि उनके पिता माता कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में गए थे। उनका रास्ता बंद करने की साजिश रची जा रही है। इसलिए स्टेट, चाहे रेलवे हो, चाहे बीमा हो, चाहे कोई भी बड़ी कंपनी, उनमें उनका रास्ता आपके लिए बंद करके और मुट्ठी भर 15% लोगों के अधीन सारी की सारी इंडस्ट्री, सारी के सारे पब्लिक सेक्टर को करने की ये साजिश है। और प्राइवेट सेक्टर में तो सिर्फ वही रहेंगे, प्राइवेट सेक्टर में तो वहीं, आप जाइए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, और कंपनियों में सर्वे करा लीजिए। जब मैं राज्यसभा टीवी में था, एक बार मैंने सर्वे करवाने की कोशिश की थी 2 कंपनियों का, ताकि पता चल सके कि क्या स्थिति। आप हैरतंगेज परिणाम निकले थे, खत्म कर रहा हूं। उसमें पता चला कि 99.7% लोग सिर्फ अपर कास्ट के हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो बाबा साहब ने जब ये कहा था कि उद्योगों का, कृषि का, बीमा का, सबका एक तरह से स्टेट कंट्रोल में हो, तो मित्रों, दोस्तों, ये बात आज के नेताओं को कैसे भूल, कैसे नेताओं ने भुला दी है हमारे ओबीसी के, दलित समाज के, आदिवासी समाज के, ये उनसे आपको पूछना चाहिए। आप डॉक्टर अंबेडकर की अगर केवल पूजा करेंगे, डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर आप अपने को बहुत क्रांतिकारी महसूस करेंगे, तो माफ़ कीजिएगा, अंबेडकर साहब की विचारधारा के साथ आप न्याय नहीं करेंगे। अंबेडकर साहब के साथ न्याय, उनकी विचारधारा के साथ न्याय तब होगा जब आप उनकी तरह तर्कशील बनिए, उनकी तरह विवेकशील बनिए, उनकी तरह सवाल उठाइए, उनकी तरह संघर्ष कीजिए। अगर समझौता परस्ती करनी है तो आप चाहे मार्क्स का नाम लें, चाहे अंबेडकर का नाम लें, अरस्तु का नाम लें, वाल्टेयर का नाम लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और भारतीय समाज का जो स्थगन है, जो स्टेग्नेशन है, जो जिस अवरोध में फंसा हुआ है भारत का समाज, वो केवल शब्द और कर्म के गतिरोध के कारण है। हम बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, तो शब्द और कर्म का अगर भेद नहीं मिटेगा, अंबेडकरवाद क्या बताता है, अंबेडकर की वैचारिकी क्या बताती है, अंबेडकर का जीवन क्या बताता है। अंबेडकर जीवन भर लड़ते रहे, उन्होंने अपनी निजी संपत्ति, अपनी निजी जायदाद, अपने निजी परिवार की चिंता नहीं की। आप जानते हैं जब वो उनका निधन हुआ, उनका जब परिनिर्वाण हुआ, तो उनके पास क्या रकम थी, देखिएगा, पढ़िएगा। तो मेरा ये कहना है मित्रों कि अगर आपको सचमुच ईमानदारी से लड़ना है, देखिए हम लोगों की उम्र, हम लोग 60 के पार के लोग हैं, लेकिन आपकी जनरेशन को रहना है,
हमारे देश की तमाम दलित आदिवासी बहुजन समाज पर ये अत्याचारों का दौर अगर यूं ही जारी रहा तो यकीन कीजिए हम लोग 1947 से भी बहुत बुरी स्थिति में पहुंच जाएंगे, उसके पहले के दौर से भी पीछे चले जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं ये पुष्यमित्र शुंग की वापसी हुई है, आज का दौर पुष्यमित्र शुंग की वापसी का दौर है। अगर पुष्यमित्र शुंग की वापसी को आप नहीं रोकते तो यकीनन आपका वजूद खत्म हो जाएगा और आप केवल नाम लेते रह जाएंगे महापुरुषों का, नेताओं का, लेकिन उनकी विचारधारा के साथ आप अन्याय करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम।